बास से पक्षी शिशु की रक्षा कर मारुति उस पक्षी शिशु को सुरक्षित उसके स्थान पर रखते हैं। तो वहीं दूसरी ओर चक्रासुर का कहर और आतंक अब मृदंगपुर तक आ पहुंचता है। दोबारा उड़ान भरने में असफल मारुति अब उड़ने के लिए एक ऊंची जगह पे आ पहुंचते हैं। क्या विचार कर रहे हो? मैं ये विचार कर रहा था कि जब भी मारुति ऐसी परिस्थिति में होता है, आप सदैव मारुति की रक्षा करने के लिए वहाँ प्रकट हो जाते हैं। चक्रासुर के चक्कर में जो फंसा वो चल बसा। कोई नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा करने, कोई नहीं। आपने मारुति के सारे मित्रों को घर क्यों भेज दिया? आपको उड़ने की शिक्षा जो देनी थी, एकांत साधना ही सर्वोत्तम साधना होती है वत, और इसके लिए एकाग्रता अनिवार्य होती है। देव, आज से आप मारुति के गुरु भी हैं। और गुरुदेव तो पिता के समान होते हैं ना? तो आप आज्ञा दीजिए कि मारुति को क्या करना होगा। मारुति, उड़ने का कौशल कोई साधारण ज्ञान की भांति नहीं है, ये एक साधना है पुत्र, और इसको सिद्ध करने के लिए इसके नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। मारुति आपकी हर आज्ञा का पालन करेगा। कोई नहीं है इस संसार में जो मुझ मायावी का सामना कर सके। सर्वप्रथम आपको वायु तत्व और अंतरिक्ष तत्व को साधना होगा। मैं वायु का अधिष्ठाता हूँ। मैं आपके मस्तिष्क के माध्यम से आपके देह में वायु तत्व का विस्तार करूंगा। अब तुम नेत्र बंद करके पूर्णतः एकाग्रचित होकर अपनी देह में विद्यमान इन तत्वों पर ध्यान केंद्रित करो। Oh.
बार पुनः प्रयास करो पुत्र। अब मारुति को उड़ना आ गया है। अब मारुति और ऊंचाई तक उड़ेगा और तीव्र गति से उड़ेगा। रुको मारुति, नीचे आओ। क्या हुआ गुरुदेव, आपने रोक क्यों दिया? मारुति, आप बहुत उतावले होकर उड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अनुचित है। आपको चोट लग सकती है। पहले भली भांति अभ्यास करके आपको निपुणता प्राप्त करनी हो। मन को एकाग्र करके वायु तत्व पर ध्यान केंद्रित कर स्वयं को भारहीन होने का आभास करा। वायु से भी भार। किंतु मेरा भार तो आपसे भी कम है गुरुदेव। बालक मन चंचल होता है। मारुति भले ही देवांश है, किंतु है तो एक बालक ही, और इन्हें बड़े बड़े कार्य भी करने हैं, इसलिए उड़ना इनके लिए बहुत आवश्यक है। देखो मारुति, कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। अतः धैर्य से अभ्यास करो। एक ही मूल मंत्र स्मरण रखो, करो अभ्यास, उड़ो आकाश। अच्छा, तो आप मारुति को एक अवसर और दीजिए, किंतु आपको एक वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन मारुति? यदि मारुति गिरने भी लगे तब भी आप रक्षा करने का प्रयास नहीं करेंगे। मारुति को चोट लग जाए या कुछ भी हो जाए, सारा उत्तरदायित्व मारुति का ही होगा। सोच क्या रहे हो आप? वचन दीजिए। वचन देता, किंतु ये गुरु का वचन स्मरण रहे, गुरु वचन। मारुति, अभी तक खेल ही रहा है मारुति। अब तक तो उसे लौट कर आ जाना चाहिए था। न जाने कहां उछल कूद कर रहा होगा। है कहां ये? सेविका? जी महारानी जी। तुमने मारुति को कहीं देखा? अपने मित्रों के साथ बाहर खेलने गया था। महारानी, युवराज के सब मित्र तो अपने अपने घर लौट गए हैं, किंतु वो अभी वाटिका में ही है वायुदेव के साथ। वायुदेव के साथ? जी महारानी जी। वायुदेव स्वयं आए? मारुति क्या कर रहा है?
मारुति मैं तृतीय तक गिनता हूँ, तुम तृतीय पर नीचे कूदना। अवश्य गुरुदेव, आप गणना आरंभ कीजिए। मारुति 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 प्रथम, मारुति तो उड़ने का प्रशिक्षण ले रहा था, किंतु मारुति अभी पूर्णतया सीख नहीं पाया है, इसलिए वो गिर गया था। एक एका क्या कहा था आपने? एकाग्रता। हाँ, एकाग्रता, वही मारुति को नहीं आ रही है। मन से चंचलता को पूर्णतः निकाल दो मारुति, तभी एकाग्रता आएगी। मारुति, तुम्हें कोई प्रशिक्षण नहीं लेना है। सेवक। जी महारानी जी। मारुति को भीतर ले जा। जी महारानी। माँ, मारुति को तो बड़े बड़े कार्य करने हैं ना? इसीलिए मारुति को तोड़ना सीखना ही होगा। तुम बड़े हो जाओगे तब सीखना, अभी चलो। चलो मारुति। मारुति, आज के लिए इतना प्रशिक्षण पर्याप्त है पुत्र। माँ की आज्ञा का पालन करो और भीतर जाओ। श्री गुरु चरण सर
आपकी आज्ञा गुरुदेव। स्मरण रहे पुत्र, कभी भी कहीं भी विजय पानी हो तो अपने मन को शांत रखना अनिवार्य होता है। यदि मन पर नियंत्रण ना हो तो हाथ में आई हुई विजय भी राज्य में परिवर्तित हो जाती है। पाबंदे, मारुति के प्रति आपके स्नेह के लिए मैं स्वयं को धन्य समझती, किंतु दे मारुति बहुत अल्प आयु का है और आप उसे उड़ना सिखा रहे थे। मुझे चिंता है कि कहीं कोई अनहोनी हो जाती तो। देख, माँ का अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए चिंतित होना स्वाभाविक है। आप माँ की दृष्टि से मारुति को केवल अबोध बालक के रूप में ही देख रही हैं, किंतु मुझे उसकी शक्ति के प्रमाण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। मारुति अन्य बालकों की भांति कोई साधारण बालक नहीं है। उसे जीवन में बड़े बड़े कार्य करने हैं, तो उसे उड़ना तो एक दिन आना ही है। माँ का हृदय बहुत कोमल होता है देव, वो पिता के समान कठोर कभी हो ही नहीं सकता। माँ उसे सदा अपने आंचल में छुपा कर रखना चाहती है। देवी, शिशु भी चलना तभी सीखता है जब वो बार बार गिरता है। यदि गिरने के भय से माँ उसे अपने आंचल में ही रखेगी तो वो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। उसे अपने चलने की शक्ति का ज्ञान कभी नहीं होगा। मारुति को भी स्वयं की शक्ति से परिचित होना आवश्यक है। अन्यथा क्षमा करें देव, आप मारुति की शक्ति पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, किंतु आप उसकी अल्पायु की ओर देख ही नहीं पा रहे। अपार शक्ति की तुलना अल्पायु से नहीं कर सकते। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.